हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक चालाक साहूकार और यमराज जी की कहानी सुनाऊंगी। सुंदर नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी पाल रखा था। विधाता के निश्चित समय अनुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमराज बोले, बताओ चित्रगुप्त जी, ये हाथी स्वर्ग जाएगा या नरक? चित्रगुप्त बोले, प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन काल में कभी गलत काम नहीं किया है। इसके काम काफी अच्छे रहे हैं। यमराज बोले, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम पर प्रसन्न है गजराज, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं। इसीलिए मांगो, तुम क्या इच्छा रखते हो? मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। हाथी बोला, यमराज जी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है और मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव योनि में जन्म दे दीजिए, पर मेरे ऊपर किसी भी मनुष्य का अधिकार न रहे। मैं मनुष्य के बंधन में न रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन होता है। हाथी की ऐसी बात सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा, वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। हाथी बोला, यही तो परेशानी है यमराज जी, कि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लगता है आप मनुष्य की सच्चाई नहीं जानते, आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यमराज बोले, मुझे कैसी जानकारी नहीं है? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लेते हैं। हाथी बोला, महाराज, मतलब आपका अभी तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। ये तो मृत लोग हैं, ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। यदि किसी जीवित मनुष्य से आप मिलेंगे तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। यमराज बोले, और तुम्हारी बात जानने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा। तुम्हें अपने इस मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को हाथी की बातें बहुत दिलचस्प लगी, इसीलिए वह जीवित व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और इसके मालिक हरिलाल को यमलोक लेकर आओ। यमदूत हरिलाल को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर पहुंच गए, लेकिन उनके सामने बड़ी परेशानी थी कि वह जीवित व्यक्ति को यमलोक कैसे लेकर जाए। इसीलिए यमदूत उनके सोने का इंतजार करने लगे। जब हरिलाल सो गया तो चारों दूतों ने उसे पलंग सहित उठा लिया और यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। बीच में ही हरिलाल की नींद खुल गई। उसने देखा, मैं तो आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो जमीन गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा कि वे उनको कहाँ ले जा रहे हैं, तो यमदूतों ने बताया उन्हें यमलोक ले जा रहे हैं। हरिलाल बोला, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। यमदूत बोले, आज वहाँ पर जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है, इसीलिए हम तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। एक हाथी का कहना है कि तुम उसके मालिक हो, इसीलिए यमराज जी ने तुम्हें यमलोक बुलाया है। परेशान हरिलाल ने तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। हरिलाल बचने का उपाय सोचने लगा, तभी उसकी नजर अपने पलंग के ऊपर रखे कागज और कलम पर गई। उसने कागज और कलम उठाया और उस पर लिखा। थोड़ी देर में वह यमलोक पहुंच गया। हरिलाल को देखकर यमराज जी जोर जोर से हंसने लगे और हाथी से बोले, तुम इतने विशाल हो, ताकतवर हो और इससे डरते हो? हाथी बोला, सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज जी हरिलाल को अपने पास बुलाते हैं तो हरिलाल कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? यमराज जी बोले, तुम इस हाथी के मालिक हो, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता, अब तुम ही बता दो तुम कौन हो। हरिलाल यमराज जी को वह कागज देता है जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। यमराज जी कागज को पढ़कर हैरान रह जाते हैं और अपने सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं और अपनी जगह हरिलाल को सिंहासन पर बैठा देते हैं। हरिलाल बोला, यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन समाप्त हुआ, मैं यहाँ का राजा हूँ।
मैं जैसा कहूंगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म। मरने के बाद सभी स्वर्ग जाएंगे। यमराज जी कुछ नहीं बोल पाए और देखते ही देखते नरक के सारे मृत लोग स्वर्ग में आ गए और नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती वह सीधा स्वर्ग लोक को ही जाता, भले ही वह कितना भी पापी क्यों ना हो। लेकिन हरिलाल को मन ही मन चिंता सता रही थी कि किसी दिन उसकी सच्चाई यमराज को पता चल जाएगी तो वह मृत्यु के घात उतार देंगे। हरिलाल ने सभी लोगों की सजा माफ कर दी। हरिलाल के चेहरे पर चिंता देखकर हाथी उससे बोला, अब तो मैं मर चुका हूँ, बताइए तो यह क्या माजरा है, आप यमलोक के राजा कैसे बन गए। हाथी बोला, आप मुझे भी इंसान बना दे, नीचे जाकर मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन यह राज मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बताने से आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। हरिलाल बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यमदूत जब मुझे लेकर आ रहे थे तो संयोग से मेरे पास एक कागज और एक कलम थी। मैंने उस पर लिख दिया, यमराज जी धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, अब से यही यमलोक का राजा होगा। मैं यह सब लिखने के बाद नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिया। हरिलाल की बातें सुनकर हाथी सचमुच उसकी बुद्धिमानी से हैरान रह गया। धीरे धीरे कुछ समय बीत गए, नरक के द्वार बंद थे और स्वर्ग लोक में भी लोग बढ़ते ही जा रहे थे। यह बात पूरे देवलोक में फैल गई। सब देवता यही सोचने लगे कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सब लोगों ने भगवान विष्णु से यह बात बताई। भगवान विष्णु इस बात से परेशान रह गए, आखिर यमलोक में कौन आ गया है जिस कारण यह सब हो गया है। भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए हैं। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, यदि आप बाहर हैं तो अंदर कौन है। यमराज बोले, नारायण अंदर वही है जिसको आपने मेरे स्थान पर नियुक्त किया था, और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उस इंसान ने मुझे जो कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं अपना सिंहासन इसे दे दूं। उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे, अगर आपको यकीन ना हो तो यह देखिए। भगवान विष्णु बोले, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, कौन है वह। विष्णु भगवान थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, यमराज क्या आप जीवित व्यक्ति को बुला लिए हैं। यमराज बोले, सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही यमलोक में बुलाया है। यमराज जी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान विष्णु को बताई। यमराज की बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वह मुस्कुराने लगे और बोले, उसने आपको झूठा पत्र दिया था, उसमें मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए थे। अगर वह ऐसा ना करता तो आप उसे विद्वान नहीं समझते, और आपको उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता। भगवान विष्णु की बातें सुनकर यमराज जी ने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया था। इसके पश्चात भगवान विष्णु यमराज जी के साथ यमलोक पहुंचते हैं। उन्हें सामने देखकर हरिलाल अपने सिंहासन से उठकर खड़ा होता है, फिर कहता है, प्रभु मुझे तो आपका ही इंतजार था, मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। विष्णु जी बोले, तुम बहुत चालाक हो हरिलाल, देखा यमराज जी जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। अब इसको दिख रहा है कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो यह मुझे खुश करने में लग गया है। यमराज जी बोले, समझ गया प्रभु, किसी भी इंसान को समझना आसान नहीं है, आज मैं मान गया इंसान सचमुच अपनी बुद्धिमानी से कुछ भी कर सकता है। गजराज तुम्हारी बात सही साबित हुई, इसीलिए मैं तुम्हें भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनाकर भेजूंगा। अब तो तुम खुश हो, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, तुम्हें किसी का बंधक नहीं बनना पड़ेगा, तुम अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकोगे। यमराज की बातें सुनकर हाथी खुशी से सिर हिला देता है। इसके पश्चात यमराज जी हाथी को भी मनुष्य रूप में धरती पर भेज देते हैं और हरिलाल के दिमाग से भी यमलोक की पूरी बातें निकालकर वापस पृथ्वी पर लौटा देते हैं। दोस्तों
अगर आपको ये मजेदार कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।